सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में जल निगम के अधिशासी अभियंता ग्रामीण संतोष कुमार की पीट पीट कर उनके किराए के मकान में हत्या कर दी गई। हत्या आरोपी घटना को अंजाम देते हुए फरार हो गया। दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्स्नायम पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। मामले में पैसे के लेन देन की बात प्रथम दृष्टया सामने आ रही है। मृतक अधिशासी अभियंता संतोष कुमार प्रयागराज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जल निगम के एक्सचेंज संतोष कुमार किराए पे मकान में रहते थे। उसी किराए के मकान पे आज उनकी सुबह डेड बॉडी मिली, जिसमें प्राइम सस्पेक्ट ही है, उनका हत्या हो गई है। और इस संबंध में जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पहुंची। जो इनिशियल पुलिस की इंक्वायरी है उसमें क्लियर हो चुका है कि इसकी जो प्राइम सस्पेक्ट है वो कौन है, उसका नाम प्रकाश में आ गया है। और पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, कुछ चार टीमें हैं जो इनको पकड़ने के लिए, अप्रहण करने के लिए लगे हुए हैं। ये भी पता चला है कि जो व्यक्ति प्राइम सस्पेक्ट है वो इन्हीं के विभाग से ही है और पूर्व परिचित है। पुलिस बाकी अंकलों में भी जांच कर रही है। जो मृतक एक्सीएन है वो प्रयागराज के रहने वाले, उनके घर वाले को साथ संपर्क कर लिया गया है। उनके घर वाले भी सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जैसे उनके घर वाले यहाँ पे आते हैं और जो तहरीर वगैरह मिलती है उसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।